हेलो दोस्तों, इंडियन पैरेक विकासशील चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज के वीडियो में हम लकवे का इलाज बताएंगे। आप देख सकते हो हमारा वाइट मेल है जो लकवे में आ गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसकी चाल देखना। दोस्तों, हमें काफ़ी भाइयों के फ़ोन आ रहे थे कि सौबान भाई, हमारा मेल पाँव से बैठ गया है या गर्दन तेरी कर रहा है या बार बार खड़ा होके बैठ रहा है। तो आज का जो टॉपिक है वो यही है, जो मुर्गे को जब लकवा होता है तो मुर्गा बार बार पाँव से बैठता है, आप देख सकते हो, और सही से खड़ा नहीं होता है, चल नहीं सकता है, आप देख सकते हो। और कोई मुर्गा गर्दन तेरी करता है तो इंशाल्लाह हम आज आपको मुकम्मल जानकारी देंगे। दोस्तों, हम कोई उस्ताद नहीं है, जितना हमारे पास नॉलेज है इंशाल्लाह हम आप तक शेयर करेंगे। दोस्तों, लकवा अगर ज़्यादा है, मुर्गा चल नहीं पा रहा है या बार बार बैठ रहा है या पूरी गर्दन तेरी कर रहा है, तो ये इंजेक्शन है, देख सकते हो, नेरोकाइन का इंजेक्शन है। ये आपको सुबह में आधा ml, 1 ml और रात में 1 ml, दिन में 2 ml इंजेक्शन मारना है, ठीक है, एक ही दिन देना है। उसके बाद आगे का दिखाता हूँ आपको। ये नेरोपिंग की गोली है, देख सकते हो आप, रेड कलर का पत्ता है, आप अच्छी तरह देख सकते हो, नेरोपिंग। ये गोली दोस्तों आपको सुबह और शाम देना है, कंटिन्यू नहीं देना है। अगर आपका मुर्गा हल्के फुल्के लकवे में है, जैसा हल्का सा पाँव तेरा कर रहा है या हल्की सी गर्दन तेरी करना है, तो सिर्फ आपको गोली देना है, आपको इंजेक्शन नहीं देना है। या आपका मुर्गा ज़्यादा ही लकवे में आ गया, जैसे चल नहीं पा रहा है या पूरी गर्दन तेरी कर रहा है, तो फिर आपको एक टाइम इंजेक्शन देना है सुबह और शाम में 1 ml, और उसके बाद ये कंटिन्यू ये गोली चालू रखना है। दोस्तों, उसके साथ ये वेमरॉल कैल्शियम आता है, ये आपको 1 लीटर पानी में आधा ml या 1 ml देना है, और इसका कंटिन्यू आपको पानी पिलाना है। इंशाल्लाह आपका मुर्गा धीरे धीरे रिकवर हो जाएगा। दोस्तों, ये लकवे की जो बीमारी है ना, इसमें टाइम लगता है, लेकिन इंशाल्लाह ये नुस्खा आप काम करोगे ना, तो इंशाल्लाह इससे आपका मुर्गा थोड़ा लेट होगा, लेकिन इंशाल्लाह रिकवर हो जाएगा। हम आपको दिखाते हैं कि इंजेक्शन कैसा देना है, इंशाल्लाह आप वीडियो में बने रहे। दोस्तों, आप देख सकते हो ये लेग साइड है, इसमें इंजेक्शन देना है। एकदम इजी काम है, कोई मुश्किल नहीं है। इंजेक्शन देने के बाद आप थोड़ा रिलैक्स करिए, उस जगह पर थोड़ा मसल लें अच्छी तरह, इंशाल्लाह आपका मेल रिकवर हो जाएगा। 1 ml देना है और 1 ml शाम में देना है, पॉज कर। दोस्तों, आप देख सकते हो चल भी नहीं पा रहा है, बार बार नीचे की तरफ हो रहा है, देखो। इंशाल्लाह अभी इसको हमने इंजेक्शन दे दिया है, इंशाल्लाह ये 8 से 10 दिन में रिकवर हो जाएगा। इसको अभी हम सुबह और शाम में नेरोपिंग की जो हमने गोली बताई है वो इसको देंगे, और जो वेमरॉल कैल्शियम आता है ना, वो इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू चालू रखेंगे। अभी इसको एक शाम में हम 1 ml और इंजेक्शन देंगे, उसके बाद इंजेक्शन बंद करेंगे, ठीक है। दोस्तों, हमारे देख सकते हो दोस्तों चल भी नहीं पा रहा है, इंशाल्लाह ये इंजेक्शन जो दिया उससे अभी फटक से रिकवर हो जाएगा, काफ़ी उसको आराम मिल जाएगा। दोस्तों, हमारे इंडियन पैरेट के असल चैनल को आप ज़्यादा से सपोर्ट करें, और जो भाई हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, हम इसी तरह आपके लिए नए नए जानकारी लाते रहेंगे। सो बाय, अल्लाह हाफिज़।